हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ नंबर सिस्टम। आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 657,903। ओके, तो लोकल वैल्यू को ही प्लेस वैल्यू भी बोला जाता है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? कोई भी डिजिट जिस प्लेस पे है वही उसका प्लेस वैल्यू होगा। और फेस वैल्यू जो होता है वो डिजिट इटसेल्फ होता है, जो डिजिट होगा वही उसका फेस वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो है वो किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे है, तो इसका लोकल वैल्यू क्या हो जाएगा? 7000। ओके, और इसका फेस वैल्यू 7 होगा क्योंकि 7 ही डिजिट है। ओके, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6993। सेकेंड क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 3 इन नंबर 527,435। इसमें डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 3 का। तो 7 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? 7000। और 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 30, क्योंकि 10 प्लेस पे है 3। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6970। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर देन द रिमाइंडर की। रिमाइंडर क्या होगा इसको फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 10000। ठीक है, तो 10000 में से 999 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 9001। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे सिंपली। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 1 प्लेस वाले को ऐड करेंगे। तो 8 + 8 = 16 और 16 + 8 = 24। तो 24 में 2 हम लोग 1 प्लेस पे लिख देंगे और 4 1 प्लेस पे लिख देंगे और 2 कैरी ओवर करेंगे और फिर हम लोग 10 प्लेस वाले को ऐड करेंगे। तो 7 + 9 = 16 और 16 + 9 = 25 और 25 और प्लस जो 2 कैरी ओवर था उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ये जो बी ऑप्शन है वही सही दिखता है क्योंकि 1 प्लेस पे 4 है और 10 प्लेस पे 7 है, ऑप्शन में डिफरेंट है। ओके, तो बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 6x43 - 4xy9 = 1904 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन प्लेस ऑफ x। x के प्लेस पे क्या होगा उसको निकालना है अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? जो 4xy9 है उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। ओके, तो राइट हैंड साइड में भेज देने के बाद एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम लोग इसके 1 प्लेस को अगर ऐड करें तो 4 + 9 कितना होगा? 13। तो 13 का 3 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी ओवर करेंगे। तो 1 कैरी ओवर करेंगे तो 10 प्लेस वाले को अगर हम लोग ऐड करें तो 10 प्लेस पे y है यहाँ पे और यहाँ 0 है, y प्लस 0 y ही होगा। और जो कैरी ओवर है उसको ऐड करेंगे इसमें तो क्या आएगा? y प्लस 1। ओके, और ये नंबर जो है इससे जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसके इससे जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है? 4 है, इसका मतलब यहाँ पे भी 10 प्लेस पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो y प्लस 1 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो इससे y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू 3 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसमें y का वैल्यू अगर 3 पुट कर दें और फिर इसको ऐड करें तो ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 6543। ओके, अब ये जो नंबर है ये किसके बराबर होगा? 6x43 के बराबर होगा। इसमें हम लोग देखें तो
हरेक डिजिट जो है वो जिस प्लेस पे है उसके बराबर होना चाहिए। तो वन प्लेस टू थ्री इसमें भी है, इसमें भी है, फोर इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे एट है। तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी ये नंबर बराबर होगा। इसका मतलब एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू फाइव होगा। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन इसमें गिवन है, इसमें v का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग वंस प्लेस वाले को ऐड करें तो यहाँ पे क्या है, 9 माइनस 2 क्या होगा, 7, और 7 प्लस 6 30, तो 3 आ गया। ओके, अब अगर हम लोग 10th प्लेस वाले को ऐड करें तो जो कैरी ओवर होगा इसमें आया है, 13 में से 1 कैरी ओवर आया है, तो वो इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी प्लस सी प्लस वन, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर हम लोग इसके वंस प्लेस को ऐड करें तो यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, ये दोनों ऐड होंगे तो 9 प्लस 5 14, और 14 में से अगर हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, बट यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब क्या है, 10th प्लेस जो है उसमें यहाँ पे कैरी ओवर हुआ होगा 1, अभी ये 8 आया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 होगा, तो ये जो है 12 के बराबर होगा। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 12 10th प्लेस वाले को। ओके, तो इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू 11। ओके, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू a और c का क्या हो सकता है, 9 एंड 9, क्योंकि अगर हम लोग डिजिट्स देखें तो 0 टू 9 ही हम लोग लिख सकते हैं, तो 9 मैक्सिमम डिजिट है। तो a की जगह पे अगर हम लोग 9 पुट कर दें और c की जगह पे भी 9 पुट कर दें तो b का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, और यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसमें कोई मैच नहीं करा, मान लो यहाँ पे 7 है तो c इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सम दिस साइन स्टैंड फॉर विच डिजिट, यहाँ पे जो साइन है वाट का वो कौन सा डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक्सप्रेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग क्या करें, एक्सपैंड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो ये साइन है उसको एक्स मान लें तो एक्स प्लस 10x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मिनिमम हम लोग डिजिट लिखें तो वो क्या होगा, 0 होगा, तो 10 तो आएगा ही, मतलब 10 प्लस एक्स इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1x है तो, और यहाँ 2x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस एक्स, और यहाँ पे x 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x और प्लस 3, क्योंकि एक्स 3 मतलब मान लो 3 आया यहाँ पे, वो 33 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 30 प्लस 3, तो 10x प्लस 3 और प्लस 10x प्लस 1, यहाँ पे भी 10 प्लस 3 एक्स होगा, तो और फिर 200 वो 10x हो गया यहाँ पे, 210x, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 10 प्लस 1, इसको ऐड करेंगे तो 210x आएगा। तो इसको हम लोग फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 22x इज इक्वल्स टू 176। ओके, और फिर इससे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा, इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पॉजिटिव इंटीजर विच व्हेन एडेड टू 1000 गिव्स ए सम विच इज ग्रेटर देन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को x मान लें
हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस x इज ग्रेटर देन 1000x, ओके 1000 × x। तो अगर हम लोग इस तरह का एक्सप्रेशन लिखें तो इसमें पॉसिबल x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसके अलावा अगर कोई भी हम लोग डिजिट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 + 2, तो 1002 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, और 2000 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 1 ही पॉसिबल होगा, क्योंकि 1000 और प्लस 1000 होगा, और 1000 × 1 क्या होगा, 1000 होगा, 1001 इज ग्रेटर देन 1000 होगा। तो एक का पॉसिबल वैल्यू वही 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।